देखिए, राजस्थान में 7 महीने में भजन लाल जी की सरकार फेल हो गई। पूरे राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं और जिस तरह से बच्चियों से रेप की घटनाएं हो रही है वो तो पूरे देश में सबसे खतरनाक है। इस देश में सबसे ज़्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार राजस्थान में हो रहे हैं। कानून व्यवस्था चौपट हो गई, सरकार फेल हो गई। डबल इंजन की सरकार आने के बाद बच्चियाँ असुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री को रेप पीड़ित बच्चियों से जाकर मिलना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ना तो बच्चियों से मिल रहे हैं रेप पीड़ित, क्योंकि कल हॉस्पिटल में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 15 वर्ष की बच्ची के साथ। तो आप बंगाल में तो नाटक कर रही है बीजेपी और यहाँ पर कुछ कर नहीं रही है, बच्चियों से बलात्कार हो रहा है। इसलिए बलात्कार की घटनाएँ जो बढ़ रही है इसमें बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। ये राजस्थान को रेपिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहने लग गए सरकार नहीं सर्कस है, क्योंकि सरकार तो की नजर नहीं आ रही, सरकस जरूर नजर आ रहा है बीजेपी का। एक बार फिर ओपीएस के मुद्दे पे सरकारी जो कर्मचारी है उन्होंने कहा कि ओपीएस से छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। नो डाउट, राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू किया था, तो ओपीएस ही रहना चाहिए। ये नया नया ला रहे हैं एजेंडा, ये कर्मचारी विरोधी, देश विरोधी, जनता विरोधी सरकार है, बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता।